मेरे पीछे इतने सोलर पैनल्स जो आप लगे हुए देख रहे हो ये जो पानी नीचे देख रहे हो इनमें बहुत कुछ खास है बहुत पैसा ही पैसे वाली चीज दिखाने वाला हूँ yes. इससे किसान सामान निकाल लेता फिर इसमें अपने आप से नया कैसे पैदा होता होगा रिजोर्ट की छत पे खड़ा होकर आप देखते हो तो ये जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है ये आपको ऐसा दिखाई पड़ता है और ये जो बड़ा स्कूल है यार अंदर से जैसे प्राइमरी स्कूल मा हाँ ये प्राइमरी स्कूल होके भी यार इतना बड़ा गांव की गाय शाम को गांव के अंदर एक दावत थी पूरा गांव एक साथ खाना खाता है चाइना के कल्चर में इस तरीके के त्योहार आते हैं वो त्योहार आज है और उस चीज के बारे में डिटेल से दिखाता हूँ कैसे खाना बनाते हैं और इन लोगों का बैठ के खाने का क्या सिस्टम है गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त निरंजन मैं और आज हम जा रहे हैं गांव में <laughs> लुलू की हिंदी भी बहुत प्यारी है गांव में जा रहे हैं दोस्तों सुबह का ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और उस गांव के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि वहां पे इन लोगों ने दो चीज़ एक साथ किया है एक तरफ़ से उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर में इनोवेशन किया है और दूसरी तरफ उन्होंने टूरिज़्म को भी प्रमोट किया है तो टूरिज़्म का जो रिजोर्ट उन्होंने डेवलप किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन किया है जहाँ एक्वाकल्चर किया जाता है और फोटोवेल्टिक प्रोजेक्ट लगा है वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा तो बातें कम करते हैं वैसे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वेदर है वो दिखा देता हूँ बारिश का सर मौसम हो रखा है सुबह के लगभग साढ़े दस बजे हैं और ये देखिए बारिश आ भी सकती है टेम्परेचर हो रखा है लगभग लगभग अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस गाँव वालों ने जहाँ भी खाली पड़ी जगह दिखाई पड़ रही है उन सब जगह सीट्रस फ्रूट्स की खेती करना शुरू कर दिया और इसके अलावा तरबूज की भी खेती करते हैं दोनों के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना के आपको पहले भी दिखा दिया आप उसको भी जाके देख सकते हो और सामने का जो पहाड़ है उसके जस्ट पीछे की तरफ है वो जगह जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आज समय बहुत ही बढ़िया हो रखा है वेदर भी बहुत प्यारा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मुझे आपको देनी थी तो सोचा ये वीडियो बना देता हूँ फिलहाल अभी हूँ चाइना के जजियांग राज्य में और ये जो जगह ये आती है निगम्बो के अंदर नीचे आता है शांगशान और उसके भी अंदर में आता है ये छोटी सी जगह जिसे आप बोलते हैं काव थाव काव थाव का मतलब होता है ऊपरी स्वीट आइलैंड तो इसका पिछला वीडियो बना के मैंने दिखाया था जिसमें बताया था कि किस प्रकार से यहाँ वाटरमेलन की फार्मिंग करते हैं फिलहाल मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो यहाँ इक्वाकल्चर विथ फोटो प्रोजेक्ट किया

in aquaculture they're basically focusing on shrimp and fish and get a good result and then sell it into the market वैसे सच में यार ये वाली टेक्नोलॉजी हर किसान को भी अपनानी चाहिए कि ऊपर ऐसा फार्म लगा दो नीचे की तरफ यहाँ पे कल्चर का प्रोग्राम करो काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है अभी लुलू से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में वो बता कि अच्छे से। लुलु ये फिर जो प्रोडक्शन निकलता है उसको सेल कहाँ पे करते हैं ओके सो लाइक बिग मार्केट और बिग सीफूड मार्केट एंड सम सम लाइक सुपर मार्केट दे कम हियर एंड पिक द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स दोस्तों आपके रिमार्क में भी सवाल आया होगा कि आखिरकार जब इससे किसान सामान निकाल लेता फिर इसमें अपने आप से नया कैसे पैदा होता होगा तो इसका मैं आपको एंश्योर देता हूँ देखिए यहाँ बहुत सारे पौंड टाइप के बने हुए हैं जैसे ये वाला है ये लगभग इधर से लगभग 100 फीट लंबा है और ऐसे देखो तो लगभग 30 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है तो इसके अंदर क्या है नीचे से जैसे ही इसके अंदर से इन्होंने श्रिम्प और मछलियाँ निकाल ली और बाजार में बेच दी तो इसमें फिर बेबी फिश है वो छोड़ी जाती है तो जब वो छोड़ते हैं तो उनको एक एस्टिमेट आइडिया होता है कि अगर हम इतने बच्चे इसमें छोड़ेंगे तो उसके बाद कितने टाइम बाद में कितनी उसका प्रोडक्शन बनने वाला है तो वो जब निकल जाता है उतना टन मार्केट में चला जाता है तो ये फिर उसमें टाइमिंग देते हैं और छोटे बच्चे इसमें छोड़ देते हैं और फिर उनको टाइम टू टाइम फीड करते हैं ठीक ऐसा ही होता है इसमें निकलने के बाद ये फिर इसमें से फार्मिंग का प्रोडक्ट कैच करते हैं और ये होता है साथ में नाइनटीन से चाइना में एक पॉलिसी भी थी जैसे ओपन सी वाला जो इलाका है जहाँ समुद्र है जैसे बाउंड्री नहीं है छोटे छोटे खेत टाइप के नहीं बने हुए हैं तो वहाँ पे आपको पाँचवें महीने से लेकर के नौवे महीने तक फिशिंग प्रोहिबिटेड होती है तो वो नेचुरली अपने आप से वहाँ की जो स्पेसीज है वो ग्रो कर पाती है वहाँ जितने सृंप है ये है और भी जितने भी सी फूड वाले प्रोडक्ट्स है वो टाइम टू टाइम ग्रो हो पाते साथ में किसान है ना बकरियों को भी पालते हैं और जो इधर बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा घास वगैरह उग जाती है तो इनको देखो इधर से घुमाते हैं तो ये बकरियां इनको भी खा जाती है तो ये इनके लिए भी काफी यूजफुल है किसान इस तरीके से सभी पॉन्ड के लिए अलग-अलग फीडिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट उनको लाकर के यहाँ रखते हैं तो वैसे ये जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं यस इट्स एक्चुअली स्पेस सेविंग एंड द कॉस्ट कॉस्ट इज लो It requires lower maintenance job. And it's also quiet. Yes, it's mm. ah yeah, it's quiet. बहुत सारे panels यहाँ लगे हैं. लुलु इनको फिर wash कौन करता होगा? Sometimes they have rain weathers, so it's the best and natural way to wash these solar panels. जहाँ पे ये solar panels लगे हैं ना, इसी के just side में ये resort है. अब वहाँ ले जा रहा हूँ. अब देखो रास्ते का ऐसा view है. ये समुद्र के बगल में यहाँ पे बड़ा एकदम barrier type से इन्होंने boundary बनाई है. और ऊपर की तरफ रिजोर्ट बनाया गाड़ी को हमने उधर पार्क कर दिया और ये इधर उन्होंने बढ़िया यार बहुत ऐसे यूनिक टाइप का पुराना डिजाइन टाइप से बनाया जैसा खनचिला जैसा इधर इन्होंने बहुत सारे यहाँ सोलर प्लेट्स लगाई हुई है ये लाइट से रात को जल जाती है तो ये सबसे पहले यहाँ पे आता है जिसमें लॉबी एंड कॉफी एरिया है और यहीं पे आपको सबसे पहले रिसेप्शन चेक इन करना होता है कुछ अंदर से इस तरीके का दिखाई पड़ता है बहुत ही प्यारा इन्होंने डिजाइन किया है इसको और यहाँ पे है इनका मेन रिसेप्शन एरिया एंड कॉफी एरिया हेलो इवनिंग का टाइम है काफी अच्छा वेदर हो रखा और यहाँ का जो व्यू है ना वो उससे भी अच्छा है नाइस से दोस्तों कह रहे वो जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो इनका एक विला है जो आप आके रेंट कर सकते हो जिसमे टू एंड हाफ फ्लोर है फर्स्ट और सेकेंड पे आप रह सकते हो और थर्ड के ऊपर चाय पीने का है 是很好看，在外面。呃、是的，是的，这边可以看到我们的这个呃佛陀山，他们本地的佛陀山是非常有标志性的一个<就>呃建筑。这是本地的佛陀山。对对对,对对对对对。呃、然后过去就是花澳岛，<好>里面有一个世界第二大的世界石林。嗯。这边大海也是，就是那个听的时候非常好听啊。哈哈是是是是。<laughs> दोस्तों कह है रहे हैं कि यहाँ आप खड़े होकर के ये जो माउंटेन आप हमारे साथ में देख पा रहे हो ये यह यहाँ का लोकल फूतोसान माउंटेन है और फूतोसान माउंटेन का मतलब है कि चाइना में चार ऐसे बुद्धिस्ट सीक्रेट माउंटेन्स बोलते हैं जिनको बड़ा ही पूजने मानते हैं उनमें से एक है फूतोसान तो वो दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा लोकल फूतोसान है निमंत्र अच्छे से एक फांग जब तो था पास था, ए,

बॉनफायर फायर कर सकते हैं और यहाँ पे खाना वगैरह भी बना के खा सकते हैं देखो कितना अभी चल रहे इनके साथ एक मकान अंदर से दिखाता हूँ आपको किस तरीके का इन्होंने डिजाइन किया है जो इनकी पूरी वास्तव में जो डिजाइनिंग दी गई है ना एकदम ऐसे नेचुरल लुक आता है पहाड़ काट करके पहाड़ के बीच में तो किया ही है और इनकी जो सीढ़ियां ना ये भी बहुत प्यारी है ये देखो काफी लंबा चौड़ा काफी बड़ा चो हंता यस डेकोरेशन वेरी ब्यूटीफुल इस तरफ बैठने की अलग से जगह मिलती है इधर आपको मिनी बार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपके लिए अलग से बैठ करके खाना खाने या चाय पीने की जगह दी गई इसकी जो चेयर्स है वो भी जूट की बनी हुई है इसके अलावा इस तरफ आपको जो स्लीपिंग एरिया मिलता है बेड वगैरह देखने को मिलता है और जो स्मार्ट सिस्टम है वो इससे ऑपरेट होता है जैसे एलेक्सा होता है और वैसे ही यहाँ पे श्यावतू होता है तो इसको अगर आपको कुछ करना है तो बोलो श्यावतु श्यावतुना यह देखो मैंने जैसे बोला आगे आइए और इस तरफ आपको बाथरूम वगैरह की व्यवस्था मिलती है जिसके अंदर ये आपको टब भी देखने को मिलता है इधर नहाने वगैरह की व्यवस्था इसी के साथ में यहाँ आपको जो सोफे देखने को मिल रहे हैं वो बेम्बू के बने हुए हैं क्योंकि इस एरिया में बेम्बू बहुत बढ़िया से होता है और बहुत ही इनका यूनिक डिजाइन है प्रीमियम फीलिंग आ रही है अगर बाहर की तरफ बात करो तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है इसके बाद मैं अभी जा रहा हूं नेक्स्ट जो इससे भी बड़ा वाला जो इलाका है उसके लिए अंदर घुसते ही केवल जो है एलेक्सा उसकी तरह शाउतू बोलते हैं चाइना में उसको ऑर्डर दिया कि पूरे पर्दे खोल दो अब देखो कितना बेहतरीन ब्यूटीफुल व्यू है भाई सुरचंद हन हैं हा? ना चा तो हन हाँ ना तो ये, इस तरफ आपको पूरा आराम से बातें करने के लिए सोफा वगैरह मिलता है इसके अलावा आपको बाहर की तरफ एक विशेष बालकनी भी इन्होंने दिखा रखी है लो, लो, कैसा लगा आपको? इसका किराया कितना है? Sikian. Sikian. Yes. Really? Mm -hmm. <laughs> 哥，48, in so, 如果没有台风的时候，这边客户很多。对，已经订满了，但是结果台风来了，我们已经让客人要么改期，要么就是只能劝退。是安全的时候也不不不订哈。是的，是的，这边、啊、会风很大。你看这个海边的。是是是，哥，我们先去把这讲讲。 कि अभी अगर टाइफून नहीं आता तो आपके यहाँ बहुत सारे यहाँ पे विजिटर्स होते तो बोलते जी ज़रूर और अभी यहाँ पे ये यह जो टाइफून की वजह से है न थोड़ा ये हवा और ये जो आसमान में बादल ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और ये जो रिजॉर्ट है इसके ऊपर से देखने पे जो फोटो प्रोजेक्ट है वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से अभी जो मेरे दोस्त यांग यांग है ये, ये हमें लेके जा रहे हैं यहाँ से जो गाँव के अंदर एक एग्जीबिशन हो रहा है उसके लिए तो वहाँ जाकर के पता करते हैं भाई क्या बेचते हैं एग्जीबिशन के अंदर थोड़ा गांव का नज़ारा वो भी दिखा देता हूँ मैं देखो इस तरीके के ये डस्टबिन भी लगे हुए है गांव का नजरा भाई लगता नहीं है कि गांव है अगर देखो जितने पेड़ पौधे साफ सफाई आपको दिखाई पड़ रही है ना इसके हिसाब से तो भाई बहुत ही प्यारा गाँव नजर आ रहा है इस जगह दिस इज टेम्पल और देखो ये भाई आप देखो हमारे साइड से ये मंदिर है गाँव का लेकिन बहुत प्यारा मंदिर दिखाई पड़ रहा है और इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे इनके ऊपर जो लाइटिंग लगी है ना ये भी बहुत ही अच्छी है रात को जब जगमगाती है तो बहुत ही प्यारा सीन हो जाता है और ये देखो यहाँ भी सेग्रिकेट किया हुआ कचरा पात्र लगा हुआ है सारा सामान अलग अलग करके डालो ये एक बड़ी चिकित्सा चगेश समाजी ये, ये यहाँ पे स्कूल आया देखो ये गांव का स्कूल है इस तरफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो और इधर भाई साहब बैठ करके ना कुर्सियाँ बना रहे हैं बांस की कुछ बना रहे थे थोड़ा दिखा नहीं पाया उसको ये देखो ये गांव का स्कूल आ गया है इतना बड़ा स्कूल है बहुत प्यारा दिखाई दिखा दिखा पड़ रहा है काफी चीज़ अच्छी चीज है भाई देखो हाँ तुम पूरा एकदम अंदर की तरफ कितनी जगह दी गई है इसके अंदर बहुत बड़ा स्कूल है यार अंदर से जैसे प्राइमरी स्कूल ये प्राइमरी स्कूल होके भी यार इतना बड़ा बहुत बढ़िया यार अच्छा लगा मेरे को तो ये देख करके अभी जैसे वो ना नागर चाहे ना भी है थो आ, ये थोड़ा ढूंढ रहे हैं कौन सी तरफ है उसका रास्ता किधर है वो इस तरफ गांव के कुछ आर्टिस्ट हैं है काम करते हैं बेम्बू से और ये गांव की एक छोटी सी दुकान इसके अलावा थोड़ा और पैदल चलते हैं वैसे यार स्कूल वाला जो था ना ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये जो गांव का मंदिर था इसको भी दिखा देता हूँ बाहर से देखने पे इसकी जो डिजाइनिंग है बहुत ही प्यारी नजर आ रही है और अंदर की तरफ से देखो थोड़ा सा किस तरीके का माहौल है वो देखो बहुत बड़ा है ऐसे अंदर से देखो किसकी मूर्ति है अंदर देखने पे तो जो हैं उनको पूछता हूँ यांग, यांग से ये जिनकी यहाँ पे पूजा करते हैं दोस्तों ये यहाँ के प्राचीन एनसेस्टर है जो इनके पूर्वज हैं उनकी फेमस पूर्वज है ये और ऊपर की तरफ देखो यहाँ लिखा भी किया है कि स्प्रेड लव ये चाइनीज़ भाषा में लिखा है इसका अर्थ मतलब यही होता है और ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है पहले चाइनीज़ ऐसे लिखी जाती थी उल्टा उर्दू की तरह और अभी जो चाइनीज़ लिखा जाता है वो लिखा जाता है बिल्कुल सीधा हिंदी की तरह वाला जो पोर्ट है इसमें ये बर्न करते हैं पेपर्स को जिसके अंदर ये अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और जो एंसेस्टर्स हैं उनको पैसा भेजते हैं इनकी मेन मूर्ति के जस्ट सामने की तरफ यहाँ पे बनवाए ये वाला स्टेज जिसको बोलते हैं ओपरा स्टेज इसके अंदर गांव के अंदर जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पे होते हैं तो इस सब लोग यहाँ पे इस प्रांगण में भर जाते हैं इधर पूरे गांव वाले बैठते हैं और उसके बाद में यहाँ पे होने वाले सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं जितना मैं चाइना में ट्रेवल किया मोस्ट ऑफ जगह ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और साथ में इनके जो ग्राँव के देवता बोलते हैं या ग्राम देवता बोलते हैं उनको थीतुकान भी बोलते हैं उनकी भी पूजा करते हैं गांव के मकान कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं दोस्तों बाहर केले का पेड़ भी यहां पे लगा हुआ है इसके अलावा ये देखो पुराने शेडिंग इनकी की गई है जो इनकी छत वगैरह है ऐसे कई मकान हैं जिनका दरवाजा ऐसा होता बड़ा बड़ा दरवाज़ा और इसके बाहर ये लांटेंस लगी होती है ये पुराने मकान जिनका स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हो थोड़ा सा कैमरा मैं फास्ट हिला देता हूँ कई बार माफ़ कीजिएगा उसके लिए और यहाँ पे और भी बहुत सारे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनको आप देखो कुछ इधर नया कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और ये पुराने मकान भी है नए मकान भी है दोनों तरीके की स्टाइल है ये इनसे पूछ रहे हैं कि आगे वाला जो एग्जीबिशन है वो अभी चालू है कि नहीं यहाँ पे पूरे गांव का ना नक्शा बनाया हुआ है इन लोगों ने कि कैसा दिखाई पड़ता है टोटली पूरा गांव गांव की कुछ और विशेषताएं बताता हूँ साफ़ सफ़ाई तो भाई एक नंबर यहाँ पे और ऊपर देखो ये यह जो यहाँ पे लाउड स्पीकर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये यह यहाँ की जो पंचायत होती है जिसको विलेज कमेटी बोलते हैं उनको कुछ अनाउंसमेंट करना होता है उनके लिए होता है और ये यह देखो यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा भी देखने को मिलेगा बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम होता है ये देखो गाँव के अंदर भी यहाँ पे कुछ स्टूडियोज इन्होंने बना रखे हैं जो गाँव के फार्मर्स होते हैं देखो ये वाला आप खुद भी पढ़ सकते हो देखो फार्मर पेंटिंग स्टूडियो है तो यहाँ आर्ट को ना चाइना में आपके पास कोई भी क्वालिटी हो खबर को वैल्यू मिलती है ऊपर की तरफ देखो जो पोइट्री कैलीग्राफी है आर्ट उनको भी यहाँ पे गांव में अगर किसी में कोई भी क्वालिटी है तो वो यहाँ बैठ कर के इस जगह आकर के अपना प्रोडक्ट बना सकता है और उसको गांव के द्वारा सेल भी किया जाता है गाँव की जो विलेज कमेटी होती है जिसे बोलते हैं यहाँ इंडिया में हम पंचायत समिति बोल सकते हो तो वो लोग यहाँ पे अलग-अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसके द्वारा बाहर के लोग आते हैं और गांव के लोगों की बनाई हुई चीजों को खरीदते हैं। यांग यांग भाई को बताते हैं कि आपके इन गांवों की साफ सफाई बहुत प्यारी है। निमंत्र छुंदा नग फेइचंग कांचिंग। हम्म प्यारा हैं। हम्म हम्म हम हाँ कह रहे हैं कि हर मकान मालिक अपने आसपास की सफाई के लिए ज़िम्मेदार है यहाँ और वो पूरा कचरा उठाता है कहीं भी कोई भी कचरा कहीं फेंकने नहीं देता और उसको कचरा पात्र में ही डालते हैं तो कितना प्यारा यहाँ व्यू बनाया ना ये देखो ये चाइनीज सिंबल है एक और बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ कुछ फोटोज़ भी इन्होंने दिखा रखी है इस तरीके से देखो इसके अंदर चलते हैं उससे काफ़ी ऐसा ना मज़ा आ रहा है यार गाँव की फीलिंग तो अलग ही होती है गाँव तो गाँव ही होते हैं यार है

थाई फोन आने वाला था ना उसकी वजह से ये वाला जो यहाँ का प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया मैंने अभी इनसे पूछा कि यहाँ एक्चुअली क्या क्या एग्जीबिशन में लगा हुआ था तो इन्होंने मुझे फोटोज दिखाई बोले यहाँ गांव के लोगों द्वारा जितना कुछ भी बनाया गया था ना बेम्बू के आर्ट्स है या फिर उन्होंने घर के अंदर बैठ करके कुछ चीज़ें बनाई थी उन सबको यहाँ एग्जीबिशन में लगाया गया था और आउट ऑफ स्टॉक हो गया सारा का सारा माल तो गाँव के अंदर जितनी भी चीज़ें हैंडमेड हुई उनको यहाँ जैसे होती कमेटी में बता दिया जाता है और उनकी तरफ से एक स्पेशल एग्जीबिशन लगाया जाता है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर शाम का समय हो चुका और हम आ चुके हैं गांव गांव के अंदर यहां पे मिड ऑटम फेस्टिवल होने की वजह से वालों ने एक सामूहिक भोजन आयोजित किया है जिसमें पूरे गांव वाले एक साथ खाना खाते हैं और इसकी जो कुछ खासियत है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे सिक्सटी आरम पर पर्सन पर आपको पे करना होता है पर टाइम का सो तो सुबह और शाम को दोनों टाइम यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है और ये गांव वाले मिलकर के आपस में खाना बनाते हैं साथ में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जो यहाँ अलग से स्टेज बनाया गया वहाँ वाले एक साथ बैठ कर के यहाँ खाना खा रहे हैं फिर शाम को आ गए यांग यांग से मिलकर के खुशी हुई और यहाँ ने बैठ के खाना खाया यहाँ पे गग ब्लैक हेलो य छोटी सी बहुत सी सी बच्ची और फिर ले लो और ये हमारे साथ यहाँ गांव के इनके साथ भी यहाँ गांव में जो खाना खाया जा रहा है ये है दावत ये जो प्रोडक्ट मैं खा रहा हूँ ना ये गांव के अंदर लोकल बनाया गया लोगों के द्वारा एक कल्चरल रैलिक्स बोलते हैं इसको एक तरीके से और इनका देखो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है चावल का बना हुआ है इसको चावल का केक भी बोल सकते हो और इसके ऊपर खजूर लगा हुआ है कॉमनली रखे गए हैं चावल जिनको आप ला करके इंजॉय कर सकते हो चावल को चावल ग्रुप में रखे उधर कॉमन

last night both of us were super super tired, hmm. so we went back to our rooms and had some sleep. और दोस्तों अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फिर से आपके लिए हाजिर हो चुके हैं और ये जो वीडियो है इसका हम यहीं एंड करते हैं दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया ये वही गांव था जिस गांव में मैंने पिछली बार आपको तरबूज की खेती दिखाई थी काफी यूनिक चीजें होती है ये रिवर्स माइग्रेशन को भी इसी तरीके से करते हैं ताकि गाँव के लोग हैं वो बाहर न जाए यहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने करने का प्रयास किया इसमें तो मैंने दिखाया अगर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर नहीं कर रखा अच्छा लगता वीडियो तो कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिए मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करता हूँ और ऐसे ही चाइना के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। बाई बाई बाई।